नहीं, आपका इंटरेस्ट भी होना ज़रूरी है। आपका इंटरेस्ट है तो आप हर चीज़ में ऐड हो सकते हैं। बहुत मुश्किल से हमें कैसे चलना, अब नॉर्मल हम जैसे भागते दौड़ते हैं उससे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राना मोहम्मद नुमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज शहर कायद में मैं पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर में जो है मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को जो है फैशन की ट्रेनिंग दी गई है। ये बाहर से बहुत ही आसान लगता है कि सिर्फ ये लोग वॉक करते हैं और वहाँ के फ़ोटो सेशन हो जाता है और लोग इनके फ़ैन बन जाते हैं। इनके अंदर क्या मुश्किल होती हैं, किस तरह से ट्रेनिंग हासिल करते हैं, ज़ुबिया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं पाकिस्तान फैशन की जो ये यहाँ पर जो स्टूडेंट है। बताइए, यहाँ पर किस तरह से आपने इस फील्ड में इस फील्ड में मैंने इसी के सामने को सोचा कि भाई हर बंदा हर चीज़ को प्रेजेंट करता है, ठीक है। मैं खुद मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ में हो तो आप एक ही चीज़ को पढ़ो, ठीक है ना। आप अपने जो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते। मुतासर हुई आप? मैं दोनों ऐसा होता है ना कि मैं इसको देख के मुतासर हुई कि मुझे ये इस फील्ड को छोड़ कर इस फील्ड में आना चाहिए। नहीं भाई, मुतासर ज़रूरी नहीं, आपका इंटरेस्ट भी होना ज़रूरी है। आपका इंटरेस्ट है तो आप हर चीज़ में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और जब तक इंटरेस्ट नहीं है आप किसी चीज़ में ऐड ही नहीं हो सकते। यहाँ पर जो आपने ट्रेनिंग हासिल की, क्या मुश्किल आती है? रैंप वर्क बहुत मुश्किल से हमें। क्या मुश्किल है? ड्रम चलवाते हैं? नहीं, ड्रम तो नहीं चलवाते, बट ये क्या एक तरीके से चलना, अब नॉर्मल हम जैसे भागते दौड़ते हैं उस तरीके से। बाहर से जो ना लोग देखते हैं कि बहुत ईजी काम है, ये सिर्फ आते हैं वॉक करते हैं चले जाते हैं फोटो सेशन करवाते हैं, इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी आसान है। मुझे तो 1 वीक हुआ है ज़्यादा जी। क्या समझती हैं कितना परसेंट आपने सीखा? मुझे अभी भी लगता है कि मेरा अभी 50% है, ठीक है, क्योंकि मैं 100% नहीं हुआ अभी भी। मैं तो पेपर मैं तो ये कहूँगी अगर किसी ने इधर आना है मैं मॉडल फील्ड में, तो पहले वो अच्छे से रैंप वर्क करना सीख ले, फिर इसके बाद ही इधर आए, क्योंकि बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। तो नाज़रीन, ये ज़ुबिया स्टूडेंट थी, इनकी आपने बात सुनी कि इनको लगा कि इन्होंने 1 वीक के अंदर जो है इन्होंने जो ट्रेनिंग हासिल की, इनको लगता है कि अभी मैं सही तरीके से ट्रेन नहीं हुई, लेकिन ये है कि इतना कि चलना फिरना सीख लिया। अगर कोई इस फील्ड के अंदर आना चाहे तो उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि उसको रैंप वॉक जो है एक अच्छे अंदाज़ में करने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बाहर से जितना आसान लगता है अंदर से उतना ही मुश्किल है।